फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स राइट। और वहां पर हमने प्रूव किया था कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। बराबर है, सबको याद आ गया ये? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। व्हाट डेल्टा यू स्टैंड फॉर यू? डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, गुड। क्यू हीट एंड डब्ल्यू वर्क वर्क डन। ओके गुड। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके ओके क्लब, हम लोग इसको वापस, ये टॉपिक वापस देखेंगे। उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर टॉपिक, दैट इज एंथैल्पी। ओके, सिंबल फॉर एंथैल्पी इज कैपिटल एच। तो फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी का मीनिंग समझते हैं हम लोग। सपोज मेरे पास एक बीकर में रिएक्शन हो रहा है, इन विच रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू सम प्रोडक्ट्स। Suppose I am taking reaction between zinc and sulfuric acid. Gives me zinc sulfate and hydrogen gas and some heat. Okay. Plus, tell me what is pressure on this reaction? Iska pressure kitna reaction ke upar? What is pressure here? Somebody has to answer. यहाँ पे प्रेशर कितना रिएक्शन के ऊपर है? प्लस हम लोग कोई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जानबूझ के? नो सर। प्रेशर विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? प्लस मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? सपोज रिएक्टेंट ए कन्वर्ट्स इनटू सम प्रोडक्ट बी एट थ्रू आउट द रिएक्शन प्रेशर इज कांस्टेंट। So when A converts into B, two things may happen. Either heat is evolved or heat is absorbed, right? So A जब B बनेगा, तो जब B बनेगा तो कुछ heat evolve होगा, या फिर A जब surrounding से कुछ heat absorb करेगा तब जाके B बनेगा। Class, anybody, first reaction is called as exothermic. Exothermic, very good. And second reaction is called as endothermic. Tell us how much heat is absorbed or evolved when particular reaction take place at constant? At constant. At constant pressure. Pressure. तो देखो, जब reaction हो रहा था, जब A B में convert हो रहा था, तो हमने कुछ pressure apply नहीं किया था, ठीक है? Pressure, okay. जब ये तो एक एक open container में जब reaction होता है, तो प्रेशर क्या होता है सिस्टम के ऊपर? अगर मैं बीकर में रिएक्शन करता हूँ तो प्रेशर क्या होता है सिस्टम के ऊपर आपके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? तो अगर आप जानबूझ के प्रेशर अप्लाई नहीं करोगे तो प्रेशर विल बी ऑलवेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो जो रिएक्शन हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टेक प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट, विद रिएक्शन टेक प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, देन हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब और हाउ मच हीट इज इवॉल्व during the reaction can be expressed in the terms of mathematical equation called as enthalpy. हम लोग एंथैल्पी के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ना एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है H is equal to U plus PV. आपको इसको डिराइव नहीं करना है, H is equal to U plus PV. प्लस यहाँ पे H stand for enthalpy. Anybody, U क्या होता है यहाँ पे? Internal energy. Energy, right? तो प्रीस प्रेशर, right? And V is volume. So P into V को हम लोग लेते हैं, P into V को लेते हैं हम लोग, energy that arises due to pressure and volume.
आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा समझे आपको डिफाइन एंथैल्पी, कैसे डिफाइन करोगे? डिफाइन एंथैल्पी, एंथैल्पी को डिफाइन करो, कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? तो हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड एनर्जी दैट अराइजेस ड्यू टू प्रेशर एंड वॉल्यूम। कोई बोलो एक बार, एक बार क्या बोला मैंने? एंथैल्पी इज द एनर्जी, एंथैल्पी इज द सम ऑफ, एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस एनर्जी दैट अराइजेस ड्यू टू इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। एवरीवन ये समझे आपको क्या लिखा है? यस सर। ओके, क्लास टेक्सटबुक में देखते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी। लेट अस सी डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी। बराबर है? यस सर। एंथैल्पी ऑफ सिस्टम इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड एनर्जी इक्विवेलेंट टू प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्लास आपको ये h इज इक्वल टू u प्लस v भी आपको कोई प्रूव करने को नहीं बोलेगा। If question is asked for one mark, define enthalpy. आपको ये लिखना है यहाँ तक, क्लियर है? एंथैल्पी क्लास सबको वायर हो गया फॉर्मूला, h इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। एंथैल्पी स्टैंड फॉर, एंथैल्पी स्टैंड फॉर h, h वो होता क्या है? एनर्जी, राइट? विच इज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस प्रेशर एनर्जी दैट अराइजेस टू वर्क ड्यू टू प्रेशर एंड वॉल्यूम, राइट? Okay, that energy is called as the enthalpy. H is equal to U plus PV. Okay. So our next question is, what is change in enthalpy? देखते हैं change in enthalpy. Okay. Now suppose system is in initial state. So its enthalpy will be H1 will be equal to U1 plus P1 V1. Now P1 लिखो या से P लिखो? सिर्फ पी लिखेंगे ना, बिकॉज प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। याद रखो एंथैल्पी को जो डिफाइन करोगे तो प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो एंथैल्पी को डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो एंथैल्पी इज डिफाइंड ओनली एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट एंथैल्पी हैज नो मीनिंग। तो क्लास में पी वन नहीं लिखता, चलेगा? बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर दोनों क्या होने वाला है बोलो यहाँ पे? सेम होने वाला, राइट? पी होने वाला, बराबर? प्लस सपोज सिस्टम गो फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट टू, तो सिस्टम गोज इन फाइनल स्टेट या फिर स्टेट टू। प्लस इस स्टेट में सिस्टम का एंथैल्पी क्या लिखेंगे हम लोग? एच टू इज इक्वल टू बोलो यू टू प्लस पी इंटू वी टू, बराबर? ओके, प्लस हाउ यू फाइंड चेंज इन एंथैल्पी? चेंज इन एंथैल्पी इज एच टू माइनस एच वन, एच वन दैट विल बी इक्वल टू U2 plus PV2 minus U1 plus PV1, right? H2 minus H1 can be written as delta H. Delta H is equal to, guys, come rearrange karenge U2 minus U1 plus bracket P V2 minus V1. Check karo bara rahe hai, aisa likhna P ko commonly hum logon ne. Yes sir. Ya fir ek step badhao plus PV2 minus minus sign अंदर आएगा तो क्या होगा? plus minus become minus, right? minus P into V1. okay, हम लोग P को common लेंगे, delta H is equal to U2 minus U1 plus P into V2 minus V1. Plus U2 minus V1 can be written as delta U. Delta, delta V. And V2 minus V1 can be written as delta V. Plus this is final equation. This is change in enthalpy. Delta H is equal to delta U plus P delta V. So this is formula for change in enthalpy. Plus bolo formula change in enthalpy ka. Delta H is equal to delta U plus P into P delta V. ठीक है? तो क्लास H का फॉर्मूला क्या था बताओ? H का एंथैल्पी का H is equal to U plus PV, बराबर? Okay. Yes sir. What is enthalpy? क्लास enthalpy का मीनिंग क्या होता है? बुक में मीनिंग नहीं लिखा है। enthalpy क्या होता है? It is the energy of system which is sum of internal energy
energy that arises due to work done because of its pressure and volume, right? So U plus PV. ठीक है? So system go from initial state to final state. The change in enthalpy is delta H is equal to delta U plus P into delta V. Any question up to this? किस कुछ पूछना आपको यहाँ पे doubt? जो भी है जल्दी बोलो. No sir. Okay. Plus next is very important derivation जो board exam में बहुत बार आ चुका है. And question is enthalpy change in chemical reaction. This question is very important from your board exam point of view. समझो आपके बिकर, हमारे बिकर में एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल्स ऑफ बी टू गिव सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी. क्लोज कंटेनर है हमारा, यहाँ पे रिएक्शन है, क्लोज कंटेनर नहीं है, इस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है. ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल्स ऑफ बी टू गिव सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी. ओके like total volume of reactant is V1 and total volume of product is V2. The total number of moles of reactants are N1, total number of moles of products are N2, right? Okay. What is the pressure of reactant P1 or P2? Yep, sif V pressure of reactant P. Because when you define enthalpy, pressure must be constant. The volume of reactant V, sorry, temperature of volume. Reactant, temperature of reactant T and temperature of product also T. But reason kya hai? Ek hi container mein alag alag temperature ho sakte nahi ho sakte? Nahi ho sakte, right? So hum log yahan pe ideal gas equation use karte hai. Is case mein ideal gas equation kya hoga reactant ke liye ideal gas equation? P into V is equal to nR2. P into V1, बराबर है? is equal to n1 rt बराबर है? चेक करो बराबर है? यस सर. ये वाला पढ़ लो. तो p into v1 equal to n1 rt. और प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो p into v2 is equal to into rt बराबर है? क्लास इफ आई सब्सट्रैक्ट p v2 माइनस पी वी वन क्या आएगा बच्चे लोग? एन टू आर टी माइनस एन वन आर टी बराबर है? यस. हम लोग क्या कर रहे हैं? तुम्हें इक्वेशन नंबर वन है, इक्वेशन नंबर टू है. अगर इक्वेशन टू और वन को सब्ट्रैक करें, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन, तो पी वी टू माइनस पी वी वन इक्वल टू एन टू आर टी माइनस एन वन आर टी. हम लोग यहाँ पे आर टी कॉमन लेंगे और यहाँ पे पी कॉमन लेंगे, तो पी इंटू V2 minus V1 is equal to N2 minus N1 into RT, okay? So P into V2 minus V1 can be written as V2 minus V1 can be written as delta V, delta right? V. So P into delta V equal to delta N R T. क्लास यहाँ पे delta N का ज़्यादा याद कर रखना आपको. delta N should be delta N G. G मतलब क्या? कल क्या कर याद है? Only gaseous reactant and gaseous product, right? हमें अगर हमारे reaction में अगर liquid या solid reactant product है, उनको consider करना है नहीं करना है? नहीं करना है. तो P delta is equal to delta nRT. क्लास इक्वेशन था हमारा, हमने थोड़े टाइम पहले प्रूव किया था, delta H is equal to delta U plus P delta V. और हमने एक चीज और प्रूव किया केमिकल रिएक्शन के लिए, P delta V क्या होता है? delta nRT बराबर ना? P delta V क्या होता है? delta nRT. तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा?
तो हमने जो इक्वेशन प्रूव किया था थोड़े टाइम पहले, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, हमने जो इक्वेशन प्रूव किया था, तो यहाँ पे सॉरी डेल्टा जीरो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी हमने प्रूव किया था इस इक्वेशन में। पी डेल्टा भी रिप्लेस करेंगे किससे, डेल्टा एन आर टी से। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर डी। क्लास और क्लियर लिखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा जी लिखेंगे, जी मतलब ओनली फॉर गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट। क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यह बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछेंगे, राइट, इक्वेशन फॉर एंथैल्पी चेंज फॉर गैसियस रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर डी। इज इट क्लियर? यस सर। ओके एक बार देखते हैं टेक्स्ट बुक में, एंथैल्पी चेंज फॉर केमिकल रिएक्शन। देखो रिलेशन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर केमिकल रिएक्शन एक बार देख लेते। देखो ये डेरिवेशन अपने बुक में, फाइनली क्लास क्या प्रूव किया हम लोगों ने, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर डी, बराबर ना? यस। चेक करो आपका यहाँ पे डेल्टा एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, ये डिफरेंट डेल्टा एन होता है, डेल्टा एन जी। एनी क्वेश्चन एनी डाउट हियर, बस जल्दी बोलो ये समझा नहीं समझा जो भी है। ओके तो क्लास दिस इज योर रिलेशन बिटवीन, दिस इज योर एंथैल्पी चेंज फॉर व्हाट, केमिकल रिएक्शन। एक बार पूरा डेरिवेशन देख लो, देखें एकदम इजी है। तो रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट्स, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट वी1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एन1, क्लास एन1 का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी, राइट। एन टू का लेके होगा स्मॉल सी प्लस स्मॉल डी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए प्लस बी है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सी प्लस डी है। प्रेशर सेम है बिकॉज हम लोग कोई प्रेशर जानबूझ के अप्लाई नहीं कर रहे, तो प्रेशर ऑन द रिएक्शन वेसल इज एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस टेम्परेचर, एक ही बिकर में रिएक्शन हो रहा है तो टेम्परेचर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन फॉर रिएक्टेंट साइड एज वेल एज फॉर प्रोडक्ट साइड, सो पी वी1 इक्वल टू एन1 आर टी फॉर रिएक्टेंट साइड, PV2 equal to N2 RT for product side. Subtract करो equation 1 and 2, तो आपको मिलेगा P delta V equal to delta NRT. Okay, but class we already proved that delta H is equal to delta U plus P delta V. So we can replace that P delta V. Yes, P delta V we can substitute in place of delta NRT. हम लोग P delta V के जगह पे delta NRT substitute कर सकते हैं. And we get final equation delta H is equal to delta U plus delta NRT. Done. This is enthalpy change for chemical reaction. चलो क्लियर है सब लोग को, जल्दी बोलो। यस सर। ओके क्लास अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्लास देखेंगे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर डिफरेंट केसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी सिंपल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स for different processes. Okay. Plus सबसे पहले what is the equation for first law? Delta U is equal to Q plus W. बराबर है? This is a mathematical form. Delta U is equal to Q plus W. ठीक है, दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म। तो क्लास ये फर्स्ट लॉ अलग अलग प्रोसेस के लिए कैसे चेंज होगा हमें वो देखना है। तो क्लास उससे पहले क्यू पॉजिटिव कब लेते हैं, क्यू व्हेन इट इज क्यू पॉजिटिव, व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, राइट। और क्यू नेगेटिव कब लेते हैं, व्हेन हीट इज इवॉल्व बाय सिस्टम। व्हेन इट इज डब्ल्यू पॉजिटिव, व्हेन वर्क इज डन ऑन सिस्टम, दैट इज वर्क ऑफ compression, and when we take W negative, when work is done
expansion. Very good. Delta U positive मतलब क्या? Internal energy system is increase or decrease. Delta U positive मतलब increase. And delta U negative मतलब internal energy system is decrease. हमने कल बात किया था इसके बारे में, क्या था ना? Yes sir. Tank convention. Plus Q positive. When it is Q positive, when heat is absorbed by system, right? Okay, Q negative होते हैं when heat is evolved, right? Or given out, right? Yes. W positive when compression, work of compression, that is work done on system. W negative when work of expansion, that is work done by a system. Delta U positive when internal energy of system increases, right? और डेल्टा यू नेगेटिव मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस. ये आपको सब कन्वेंशन कल के याद है? यस. ओके, याद है तो ये आगे बढ़ सकते हैं हम लोग. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस. क्लास, व्हेन आई से आइसो थर्मल प्रोसेस, दिमाग में क्या आता है? Temperature is constant, right? So final temperature and initial temperature both are same. So delta T is equal to zero, right? Okay, class, if delta T zero, then delta U also zero. हमने क्या बोला था? Internal energy is directly proportional to temperature. If there is no change in temperature, there is no change in internal energy. The moment you see temperature constant, दिमाग में आना चाहिए delta T zero as well as delta U zero. बराबर है? Yes sir. अपना equation क्या first law का? Delta U is equal to Q plus W, right? Yes sir. इसको आपको hard नहीं करना, आप समझना सिर्फ delta U zero Q plus W. Okay, but class यहाँ पे delta U कितना है? Zero ना, because process कैसा आपका? Isothermal process. Isothermal process में delta U क्या होता है? Zero होता है. Class substitute in equation. So we get zero is equal to Q plus W, right? Yes. We can say Q is equal to minus W. चलेगा? Yes. या फिर W is equal to या फिर minus Q is equal to ऐसे भी लिखा चलेगा? मुझे आता दोनों क्वेश्चन सेम आ रही है, बता मुझे. Q is equal to minus W या फिर minus Q is equal to plus W, दोनों ठीक है ना? सेम है. एक बार आपको इसको हार्ड नहीं करना, मुझे बताओ यहाँ पे Q का सिंबल क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव है? पॉजिटिव. और W का सिंबल? नेगेटिव. भाई इसको स्टेटमेंट बना के दिखा मुझे. इन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क इज डन, क्लास बोलो, ऑन सिस्टम और बाय सिस्टम? ऑन सिस्टम. प्लस W नेगेटिव है, W पॉजिटिव कब होता है? जब W पॉजिटिव कब होता है? व्हेन सराउंडिंग डज वर्क ऑन सिस्टम, राइट? और W नेगेटिव कब होता है? व्हेन
सिस्टम डज वर्क ऑन सराउंडिंग, क्लास याद है? नहीं, इसलिए बोला मैं आपको, पहले आपको हार्ड होना चाहिए, तो कुछ फायदा नहीं है। देखो एक बार देख लो आपस अच्छे से, डब्ल्यू निगेटिव क्या बताता है? एक्सपांशन, राइट? वर्क डन कौन बाय सिस्टम, बरा ना? यस और नो? यस सर। वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग, तो आपको डब्ल्यू निगेटिव है मतलब, क्यू पॉजिटिव मतलब क्या बच्चे लोग? हीट इज एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। अगर ऐसा है क्लास, क्यू पॉजिटिव का मतलब बोल सकता हूं मैं, ओके, डब्ल्यू निगेटिव का मतलब बोल सकता हूं मैं, वर्क इज डन बोलो बाय सिस्टम, सिस्टम बाय क्लास, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, वाला हो रहा है, क्यू पॉजिटिव है, एब्जॉर्ब बाय एब्जॉर्बिंग और बाय गेनिंग हीट फ्रॉम सराउंडिंग, ये समझे आपको? यस सर। ओके, प्लस यहाँ पे डब्ल्यू पॉजिटिव मतलब क्या? हीट इज एब्जॉर्ब, नहीं डब्ल्यू 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 पॉजिटिव, वर्क इज डन ऑन सिस्टम, राइट? यस सर। तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस व्हेन वर्क इज डन ऑन सिस्टम, बरा ना? यस सर। व्हेन वर्क इज डन ऑन सिस्टम, मजे आता, सिस्टम हीट लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, सिस्टम हीट लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, बच्चे लोग इवॉल्व। हाँ, तो सिस्टम लूजेस ना, यस सर, एनर्जी, हीट एनर्जी टू बोलो सर, ये दोनों समझा। देखो आपको हार्ट नहीं करना, इसका मतलब प्लस डब्ल्यू निगेटिव वर्क इज डन बाय सिस्टम, राइट? क्यू पॉजिटिव एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम सराउंडिंग, समझाइए? यस। प्लस डब्ल्यू पॉजिटिव वर्क इज डन ऑन सिस्टम, क्यू निगेटिव loss of heat to surrounding, check करो, any doubt here? No sir। ये condition कब applicable है? When process is isothermal, isothermal, right? Isothermal process के लिए applicable है, otherwise ये concept applicable नहीं है। चलो let us see second process, adiabatic process। Okay, what is adiabatic process? No exchange of heat between system and surrounding। Yes, symbol क्या लिखते हम लोग? Q is equal to zero, बता रहे? तो अपना फॉर्मूला डेल्टा U is equal to Q plus W, बता रहे? Yes। So since process adiabatic है तो Q equal to zero है, therefore delta U is equal to W, चलेगा? Q zero है ना? Yes। और minus W is equal to माइनस डेल्टा, चलेगा? यस। ओके, कोई बताएगा यहाँ पे क्या लिखूं मैं? डब्ल्यू, डब्ल्यू का सिंबल पॉजिटिव है, डेल्टा यू भी पॉजिटिव, राइट? मतलब क्या? इन एडियाबेटिक प्रोसेस, ओके, मुझे आता है यहाँ पे कौन वर्क कर रहा है? व्हेन वर्क इज डन ऑन सिस्टम और बाय सिस्टम, बच्चे लोग बता मुझे? ऑन सिस्टम, वेरी गुड, कंप्रेशन है, राइट? ऑन सिस्टम कंप्रेशन हो रहा, राइट? ओके, व्हाट इज सिंबल ऑफ डेल्टा यू? पॉजिटिव है ना? यस सर। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, वेरी गुड,
यहाँ पे क्या लिखोगे बता मुझे सेकंड केस में इन इन एडियाबेटिक प्रोसेस व्हेन वर्क इज डन बाय सिस्टम एक्सपांशन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस वर्क इज डन बाय सिस्टम राइट यस ब्रैकेट में एक्सपांशन पर है ना यस इंटरनल सिस्टम डिक्रीजेस ये समझा यस सर आइसोथर्मल हो गया आइसोथर्मल हो गया एडियाबेटिक हो गया राइट फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस सेकंड वी डिस्कस एडियाबेटिक प्रोसेस ओके नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट लॉ फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस व्हाट इज आइसोकोरिक Volume is constant, right? Yes. We'll discuss the process for isochoric process. Isochoric process bola to delta V is equal to zero, right? Yes. No change in volume. हमने कल बात किया था इसके बारे में. Delta V is equal to zero. No change in volume. What is first law? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू राइट ओके प्लस डब्ल्यू क्या होता है एक्सटर्नल प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम बराबर है यस और नो एवरीवन यस Yes. बोलो डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस आप हेल्प करोगे मुझे हम लोग क्या कर रहे हैं डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू का फॉर्मूला वर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमने कल प्रूव किया था वर्क क्या होता है एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम राइट वॉल्यूम और हम लोग बोलेंगे प्रेशर कांस्टेंट है तो लेट एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा पी होगा यस डब्ल्यू क्या होगा आपका पी एक्सटर्नल की जगह पे क्या आएगा पी आएगा पी इंटू डेल्टा वी चलेगा यस सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन वन तो डेल्टा यू इज इक्वल टू Q minus P delta Q plus bracket में minus P into delta V. तो आपका process कैसा है? Isochoric है. मतलब what is constant? Delta V. Delta V is zero, right? Yes. तो अगर delta V zero होगा, यार substitute here. If I put delta V zero here, क्या आएगा equation? Delta U is equal to Q. Delta U is equal to Q plus zero plus because अगर डेल्टा भी जीरो होगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा यस और नो यस वी कैन से डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू ओके क्लास और क्या लिख सकते हैं बताओ मुझे आप अभी तो आपको याद आया रहेगा क्या लिखना चाहते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं डेल्टा इज क्यू लिख सकते हैं और माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस क्यू प्लस तो मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू चलेगा ना यस सर क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू सॉरी या फिर लिख सकता हूं मैं माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू चलेगा यस और यहाँ पे क्यू का सिंबल क्या है नेगेटिव प्लस है यहाँ पे प्लस है हाँ और यहाँ पे भी प्लस है प्लस कुछ नहीं मतलब प्लस होता ना यस और कोई साइन नहीं मतलब प्लस है सी क्यू इक्वल टू आपने देखा था क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू अगर कोई सिंबल नहीं मतलब यहाँ पे कौन सा साइन है यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस है राइट प्लस बता मुझे इन आइसोकोरिक प्रोसेस
व्हेन सिस्टम बोलो एब्जॉर्ब कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है, एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब हीट, इट्स इंटरनल एनर्जी चलो इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस इंक्रीजेस प्लस है ना, वेरी गुड। बना रहे प्लस क्या लिखूं सेकेंड स्टेटमेंट में, यहाँ पे बताऊं मुझे आप में इन आइसोकोरिक वेन सिस्टम इवॉल्व हीट इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। वेरी गुड, बना रहे यस प्रोसेस में सिस्टम इवॉल्व हीट और लूजेस हीट, बना रहे इवॉल्व भी चलेगा और लूजेस चलेगा, सिस्टम इवॉल्व हीट इट्स इंटरनल एनर्जी डिग्री या था, ठीक है सब लोगों को यस सर। बस ये भाग करने की जरूरत है नहीं ना, आपको लॉ मालूम है प्रोसेस वाले तो हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम में खुद से। यस क्लास नेक्स्ट प्रोसेस देख लो, लास्ट वाला 14 आइसोबैरिक प्रोसेस, बोलो आइसोबैरिक प्रेशर रिस्पांस करें। वेरी गुड आइसोबैरिक प्रोसेस, प्रेशर इज कॉन्स्टेंट राइट, नो चेंज इन प्रेशर, प्रेशर इज कॉन्स्टेंट प्रोसेस आइसोबैरिक प्रोसेस। ओके तो हमें मालूम है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दैट इज आवर फर्स्ट लॉ। ओके अगला डब्ल्यू क्या होता है, माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, बराबर लेट एक्सटर्नल प्रेशर क्या लिखते हैं हम लोग पी, बिकॉज प्रेशर चेंज होने नहीं है तो हम लोग प्रेशर को पी एक्सटर्नल को पी ले सकते हैं राइट, लेट एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू पी। ओके तो क्लास तो वी कैन राइट डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी, बराबर सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर वन डेल्टा यू इज इक्वल टू delta u is equal to q banana plus minus p delta v banana yes okay isko rearrange karte hum log to q is equal to delta v, q is equal to delta u plus p, chalega aisa bolo bhai chalo, ये माइनस टर्म हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस q इज इक्वल टू डेल्टा u प्लस p डेल्टा v। ओके प्लस कभी सुना आपने डेल्टा u प्लस p डेल्टा v, आज के लेक्चर में डेल्टा u प्लस p डेल्टा v चल देखते हैं, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा कहाँ पे लिखा था आप लोगों ने, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी डेल्टा एम डेल्टा एच, बराबर ना होता है ना, यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे देखो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच चलेगा ना, यस प्लस सिंस डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा एच होता है, बराबर ना यस। तो प्लस इसको हम लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल डेल्टा एच, तो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच और बोलो माइनस माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच। तो प्लस क्वेश्चन आपके लिए है इसको वर्डिंग में ट्रांसफर कर ट्रांसलेट करो, इन आइसोबैरिक प्रोसेस बराबर है
विन सिस्टम क्लास बोलो, कोई तो बोलना पड़ेगा किसी का, तो एक स्टूडेंट हमें बोल रहा है, अब एटलीस्ट वो तो बोलो. विन सिस्टम एब्सॉर्ब्स हीट. एब्सॉर्ब्स हीट. बराबर है, आगे बोलो. ओके, डेल्टा एच को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ना? यस सर, इट्स एंथैल्पी इंक्रीजेस. प्लस इसी को हम बोलते हैं केमिस्ट्री में, बहुत बार सुना रहेगा ये नाम, एंडोथर्मिक रिएक्शन. नाम सुना है ना? यस सर. जिसमें एंथैल्पी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस. ओके प्लस ये वाला दूसरा इक्वेशन का बताओ मुझे, क्या लिखूं मैं? इन आइसोबैरिक प्रोसेस व्हेन सिस्टम इवॉल्व हीट इट्स एंथैल्पी डिक्रीजेस एक्सेट्रा. ऐसा ही प्रोसेस में सिस्टम लूजेस हीट, राइट, या इवॉल्व भी चलेगा. लूजेस हीट, एंथैल्पी डिक्रीज, इवॉल्व भी चलेगा. यस. क्लास क्या होता है प्रोसेस का हम लोग? एक्सोथर्म. एक्सोथर्मिक, वेरी गुड. प्लस ये था आपका पूरा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, समझा आपको? यस सर. एक बार देख लो स्टार्टिंग से एक एक प्रोसेस. पहला प्रोसेस देखा हम लोग आइसोथर्मल, एक बार आराम से देख लो पूरा चीज, आइसोथर्मल एक बार देख लो अच्छे से. ओके क्विकली एक मिनट लो हर एक स्टेप प्रोसेस के लिए. आइसोथर्मल प्रोसेस इज द फर्स्ट प्रोसेस विल डिस्कस. आपको दोनों स्टेटमेंट का मतलब समझ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ? यस सर. We'll discuss which process, adiabatic process. Check करो दोनों statement का meaning, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Adiabatic process. देखो equation देखो, statement देखो, equation देखो, statement देखो. ठीक है चलो, ये यस सर. आइसोकोरिक प्रोसेस देख लो एक बार. सी बोथ द स्टेटमेंट्स. डन. Yes. Finally, isobaric process. Sir, बोलो ना. Isobaric के जो P का value zero क्यों डाला? क्यों नहीं लिया? Yeah. हाँ देखो, किसी भी प्रोसेस में, किसी भी प्रोसेस में P जीरो है. यहाँ पे जीरो क्या होता है बच्चा? P जीरो होता है, डेल्टा P जीरो होता है, बता मुझे. Yes. जीरो क्या होता है? ये था इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर दोनों सेम है, राइट? यस सर. मतलब क्या जीरो है? डेल्टा पी जीरो है ना? यस. पर यहाँ पे इस इक्वेशन में डेल्टा पी किधर है मुझे तो, यहाँ पे डेल्टा पी है क्या किधर भी? हाँ यस सर. समझा ना तुझे क्या क्या बोला मैंने? यस सर. यहाँ पे डेल्टा पी होता तो जीरो हो जाता, समझा ना? ये पी है, पी 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 क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, जो पहले पास होता तो बाद में पास है. डेल्टा होता तो जीरो होता, समझा ना? यस. ओके आगे बढ़ते हैं. प्लस के बाद में बहुत सिंपल सिंपल डेफिनेशंस है बहुत सारे, उससे पहले हम लोग टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं हमने जो सीखा अभी वो फटाफट. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस,
फर्स्ट लॉ थर्मल स्पार्क, पहला कौन सा प्रोसेस देखा हम लोगों ने, आइसोथर्मल प्रोसेस देखा, बता रहे यस, बाद में एडियाबेटिक प्रोसेस, बता ना, बाद में आइसो कोरिक प्रोसेस और बाद में आइसो बैरिक प्रोसेस, ठीक है। इस एंथाल्पी हम पहले देख चुके हैं, राइट, एंथाल्पी क्या होता है। ओके, एक चीज और सुनो केयरफुली, ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है, सॉरी आइसो, एक मिनट इसको मैं पहले ही जूम कर देता हूँ, हाँ, प्लस आइसो कोरिक प्रोसेस में कांस्टेंट क्या है, आइसो कोरिक में चेंज इन वॉल्यूम, नहीं कांस्टेंट क्या है वो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, यस सर, डेल्टा वी जीरो मतलब वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, बराबर है, यस, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है जो जे डबल या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो छोटा क्यू होगा ना उसके नीचे में छोटा सा एक सिंबल दूंगा, कौन सा, वी, क्या बताएगा वो वी आपको, दिस इज हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, समझा, यस सर, तो सफिक्स क्या बताएगा मुझे, आई एम टॉकिंग अबाउट हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तुम बताओ क्यूवी का हमेशा कितना होता है, क्यूवी इज इक्वल टू कितना होता है हमेशा, डेल्टा यू होता है, चेक करो What QV? Yes, sir. Heat change at constant volume. क्या होता है? Delta U. What delta U? Change in internal energy. अगला जब pressure constant होता है तो मैं क्या लिखूंगा? Q के नीचे छोटा सा क्या लिखूंगा मैं? Q के नीचे छोटा सा क्या लिखूंगा? P लिखूंगा, right? P. So what is QP? Heat change at constant pressure. तो क्लास तो heat change at constant pressure हमेशा क्या होता है? Heat change at constant pressure हमेशा होता है delta H. Check करो. Yes, sir. ये भूलना मत, किधर तो लिख के रखो, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग डेल्टा यू बोलते हैं और हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग डेल्टा एच बोलते हैं, ये याद रखना पड़ेगा आपको, इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यूज। तो दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, डन, यस सर। नाउ नेक्स्ट थिंग हम लोग बात करेंगे, ओके okay, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल्स है क्या इसके ऊपर, पहले देख लेते हैं, अगर है तो सॉल्व करते हैं एक दो न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर के, इतने न्यूमेरिकल्स होंगे हमारे पास टेक्स्ट बुक में बेस्ड ऑन दिस प्रोसेसेस, दिख नहीं रहा फिलहाल, एक मिनट चेक कर लो मुझे, अगर मिला तो अच्छी बात है, प्लस ये क्वेश्चन देख रहा कोई 12th वाला, यस पेज नंबर 88, चलो सॉल्व करते हैं इसको, आप भी ट्राई करो मैं भी ट्राई करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12th, मैं इसको थोड़ा ज़ूम करता हूँ, डेटा यू कितना दिया आपको, कैलकुलेट करना है राइट, इस रेंज का डेटा एच कितना है, -72.3 किलो जूल, ठीक है, प्लस आर का कितना होता है 8.314 right? जूल पर केल्विन पर मोल, बराबर, यस, यहाँ पे ऊपर किलो जूल नीचे जूल चलेगा, एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे किलो जूल और यहाँ पे जूल चलेगा, नो नहीं, या तो दोनों किलो जूल या तो दोनों जूल, जूल आपको जो अच्छा लगे, मुझे यहाँ पे इजी पड़ रहा है, मैं लिखता हूँ 8.314 × 10^-3 चलेगा ना, किलो जूल पर मोल, ओके, डेल्टा एन जी बताओ यहाँ पे कितना है, डेल्टा एन जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स,
पहली बात रिएक्शन बैलेंस है, हाँ मुझे दिख तो रहा है बैलेंस है थोड़ा। यहाँ पे हमने मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स वन ना, यस सर, अब बोलना पड़ेगा आपको कितना है, वन माइनस हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, इसका वन और इसका वन कितना, टू टू। व्हाट इज चेंज इन मोल्स, माइनस वन। माइनस यस, मतलब फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा यू प्लस टू डेल्टा एन जी आर टी। टेम्परेचर दिया है उन्होंने आपको, टेम्परेचर कितना दिया है 298 केल्विन, तो लेट अस पुट द वैल्यूज। सो माइनस 72.3 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ब्रैकेट में माइनस वन इंटू 8.314 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 इंटू 298 बरा ना। ये आपके ब्रैकेट कैलकुलेट करो, आपके पास मोबाइल होगा तो कैलकुलेटर होगा तो जो भी है। अगर ये पावर में निकाल लेंगे हम लोग तो -72.3 डेल्टा यू माइनस 2.477 ठीक है। हाँ देखो डेल्टा यू इक्वल टू माइनस 2.477 प्लस माइनस, सॉरी उल्टा कर दे सॉरी, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे शिफ्ट करना, -72.3 प्लस 2.477 आंसर इज 69.82 यस माइनस 69.82 प्लस आंसर किसमें आएगा आपको, किलो जूल में, राइट, क्योंकि का सब किलो जूल में लिखा है मैं, बराबर ना। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच पीवी वर्क इज डन, बराबर है यस, वो भी कर सकते हैं। क्लास व्हाट इज फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, यार इसको तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं एक्चुअली, आपको आंसर आपके पास ऑलरेडी है। क्लास वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन इज माइनस डेल्टा एन जी आर टी, बराबर है, कल किया था क्लास, वो वाली आपके पास ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, देखो ये कितना है माइनस 2.477 राइट, माइनस ऑफ माइनस 2.477 कितना आएगा 2.477 किलो जूल, बराबर है, ठीक है, सब क्वांटिटीज किलो जूल में है, प्लस इजी है, यस सर। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं हम लोग को, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, कुछ और देखें हम लोग यहाँ पे तो नहीं है और कुछ क्वेश्चन इस टाइप में तो नहीं है, ठीक है नो प्रॉब्लम। लेट मी चेक, अगर मिला तो हम लोग सॉल्व करेंगे। नहीं दिख रहे, ठीक है नो प्रॉब्लम, कोई और क्वेश्चन मैं आपको बाद में दे देता हूँ, याद रखो ठीक है, क्लियर है सब लोग को, किस फॉर्मूले इसके हम लोग नहीं है, यस ओके। प्लस नेक्स्ट थिंग वी आर टू डिस्कस इज एंथैल्पी चेंज फॉर फिजिकल चेंज, एंथैल्पी चेंज बहुत सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, एंथैल्पी चेंज फॉर फिजिकल चेंज, प्लस एक ही डेफिनेशन याद रखो आपको अपने आप आ जाएगा,
फिजिकल चेंज मतलब देयर इज नो केमिकल रिएक्शन, ओनली स्टेट ऑफ मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, एटसेट्रा एटसेट्रा, बराबर है। ओके क्लाउड, उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, जब सॉलिड लिक्विड बनता है उसको बोलते केमिस्ट्री में हम लोग फ्यूजन, क्या बोलते हैं इसको, फ्यूजन। जब लिक्विड सॉलिड बनता है उसको बोलते हम लोग फ्रीजिंग, फ्रीजिंग। जब लिक्विड वेपर बनता है उसको बोलते हम लोग वेपराइजेशन, जब वेपर लिक्विड बनता है उसको बोलते हम लोग लिक्विडिफिकेशन, कंडेंसेशन, क्या बोलते हैं कंडेंसेशन। प्लस आपने बोला बराबर बोला, गैस लिक्विड बनता है तो उसको लिक्विफिकेशन बोलते हैं, पर क्लास यहाँ पे गैस नहीं, हमारे पास क्या है वेपर है। वेपर, वेपर और गैस में डिफरेंस क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर वेपर लिक्विड होता है राइट, यस सर, पर गैस एट रूम टेम्परेचर गैस ही होता है ना, तो देखिए वाटर का वेपर होता है और ऑक्सीजन का गैस होता है, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं, यस सर। एट रूम टेम्परेचर मेरे पास वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा, कौन से फॉर्म में होगा, तो एट रूम टेम्परेचर वाटर विल नॉट बीन वेपर फॉर्म, इट विल बीन व्हिच फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, इसको वेपर बोलते हैं, इसको हम लोग गैस नहीं बोलते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड, यस सर। ओके और क्लास इफ सॉलिड कन्वर्ट्स डायरेक्टली इनटू वेपर विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, इसको बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन, क्या बोलते हैं हम लोग इसको सब्लिमेशन। तो क्लास देखो ये अगर प्रोसेस में आपको मालूम है तो आपको बिल्कुल ये डिफिनेशन बाहर करने की जरूरत नहीं है। क्लास मेरे पास वन मोल सॉलिड है, कितना वन मोल सॉलिड, उसका एंथैल्पी समझो कितना एच वन है, प्लस ये वन मोल सॉलिड पूरा मेल्ट होकर क्या बन गया, लिक्विड बन गया राइट, लिक्विड बन गया समझो, उसका एंथैल्पी कितना है एच टू हो गया, बराबर है, यस। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर प्लस, बराबर है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट एग्री, Yes. मुझे तो जो आइस मेल्ट हो रहा है तो आइस का टेम्परेचर बढ़ता है कम होता है, जब आइस मेल्ट होता रहता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है कम होता है, कम बिल्कुल नहीं, दोनों नहीं होते बच्चे लोग, जब तक आइस पूरा मेल्ट नहीं होता आइस रिमेन एट जीरो डिग्री, यस सर, यस। हाँ, जब पूरा मेल्ट हो जाएगा तब टेम्परेचर चेंज होता रहता है, पर जब तक आइस पूरा मेल्ट नहीं होता तब तक टेम्परेचर कितना रहेगा आपका जीरो डिग्री, तो डू यू एग्री टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कंसेप्ट, यस सर। प्रेशर हम लोग अप्लाई कर नहीं रहे तो क्लास एंथैल्पी इसलिए तो स्टडी किया जाता है क्या, कि हम लोग जब तक प्रेशर अप्लाई नहीं करते जानबूझ के तब तक प्रेशर क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर भी कांस्टेंट है यहाँ पे, यस बोलो तो इस प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज होगा, हाउ वी फाइंड द चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच इज इक्वल टू एच टू माइनस एच वन। प्लस एक चीज जो लोग जेडब्ल्यू और नीट के लिए प्रिपेयर कर, याद रखो हम ना एच टू फाइंड कर सकते हैं ना एच वन फाइंड कर सकते हैं, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू फाइंड एच टू एंड एच वन, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, यस। हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं सिर्फ चेंज, जब वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो कितना एंथैल्पी चेंज हुआ हम लोग वो बता सकते हैं राइट, वाटर का कितना था आइस का कितना था हम लोग नहीं बता सकते, ये नहीं समझा या समझा पहले बता मुझे, तो एब्सोल्यूट वैल्यू हम बता नहीं सकते। क्लास में मेरे पास समझे, मेरे पास बिकर में एक किलोग्राम आइस है उसका एंथैल्पी कितना, मैं बोलूंगा आई कांट टेल, पर वो आइस जब पूरा मेल्ट होकर लिक्विड बनेगा तो वो आइस टू लिक्विड प्रोसेस में कितना एंथैल्पी चेंज हुआ मैं वो बता सकता हूँ राइट, यस। तो आई कैन नॉट टेल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एच वन और एच टू, आई कैन फाइंड ओनली व्हाट डेल्टा एच, सी दिस इज नॉट रिटन योर टेक्स्ट बुक, ये आपको मतलब इतना जरूरी नहीं है, पर जो अगर आप जेडब्ल्यू नीट के लिए प्रिपेयर करें तो यू शुड नो दिस, आपको ये मालूम होना चाहिए, क्लियर है। तो क्लास इफ समबडी आस्क यू डिफाइन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, क्लास एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का सिंबल होता है डेल्टा बीच में एफ यू एस और यहाँ पे एच, ये सिंबल है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एनीबडी एंथैल्पी चेंज अकंपनिंग फ्यूजन ऑफ वन मोल ऑफ, बोलो प्लस फ्यूज कौन होता है, फ्यूज कौन होता है सॉलिड होता है ना, एंथैल्पी चेंज अकंपनिंग फ्यूजन ऑफ वन मोल ऑफ सॉलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब वो फ्यूज होगा तो लिक्विड बनेगा हमें ऑलरेडी मालूम है राइट, यस। मैं लिखता हूँ देखो टेक्स्ट बुक में डिफरेंस थोड़ा सा अलग है पर ये अगर याद रखोगे तो आपको टेक्स्ट बुक का डिफरेंस बाहर करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, एंथैल्पी चेंज दैट अकंपनीज विद
फ्यूजन ऑफ, बोलो फ्यूजन, अगर फ्यूजन आपका मतलब आपको बताना तो बता सकते हो, बोलो व्हाट इज फ्यूजन, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड फ्यूजन ऑफ वन मोल ऑफ सॉलिड एट कॉन्स्टेंट क्या टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर, इज कॉल्ड एज व्हाट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। प्लस अगर यही प्रोसेस अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो आपके पास वन मोल लिक्विड है राइट, वो क्या बनेगा अगर वन मोल सॉलिड बनेगा तो उस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा हम उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एनीबॉडी, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग। तो उसका सिंबल होगा डेल्टा एफ आर डबल ई जेड राइट एच, ये समझा आपको? यस सर। डिफाइन करो एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग कोई, तो एंथैल्पी चेंज द कंपनीज फ्रीजिंग ऑफ वन मोल ऑफ बोलो लिक्विड लिक्विड बराबर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम प्रेशर, प्रेशर प्रेशर वॉल्यूम नहीं, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यस प्लस देखो आपको एक भी डिफरेंस बाहर नहीं करना, अगर आपको मतलब मालूम है हाँ, प्लस डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, यही डिफरेंस देख के बताओ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी चेंज दैट अकंपनीज वेपराइजेशन ऑफ वन मोल ऑफ कौन वेपराइज होता है, लिक्विड लिक्विड वेरी गुड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्लास वी राइट दैट एज डेल्टा वीएपी और यहां पे समझा, यस सर। ओके क्लास डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, एंथैल्पी चेंज दैट अकंपनाइड विद कंडेंसेशन ऑफ वन मोल ऑफ वेपर वेरी एट गुड कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन CONDR ठीक है ओके। यस सर। प्लस सब्लिमेशन प्लस एंथैल्पी चेंज दैट कंपनीज हाँ सब कन्वर्जन ऑफ वन मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर वेपर विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, या फिर डायरेक्ट कैसे बोल सकते हो वो भी चलेगा, और सिंपल लैंग्वेज में बोलना तो एंथैल्पी चेंज अकंपनिंग सब्लिमेशन ऑफ वन मोल ऑफ सॉलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, बराबर ना? यस सर। तो क्लास छह डेफिनेशन आपके बुक में है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फ्रीजिंग वेपराइजेशन कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन। एक सिंपल क्वेश्चन आपको एक और पूछता हूं मैं, सॉलिड वन मोल सॉलिड का लिक्विड बनेगा राइट, तो उसके लिए हम बोलते हैं डेल्टा क्या फ्यूजन राइट, फ्यूजन, यस, वन मोल लिक्विड कन्वर्ट वन मोल वेपर वी कॉल इट एज एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, लिक्विड टू वेपर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन वेपराइजेशन, ओके। प्लस सॉलिड टू लिक्विड को क्या बोलते हम लोग, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, बराबर है? सब्लिमेशन, तो कैन आई मेक अ स्टेटमेंट एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, चलेगा? ये समझा नहीं समझा, पहले मुझे बताइए। समझा सर। सिंपल है, सब्लिमेशन क्या होता है सॉलिड टू वेपर, और फ्यूजन क्या होता है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर। तो क्लास जिन लिक्विड का देखो तो हम लोग ये इसके लिए कुछ एनर्जी लगेगा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड राइट, तो यहाँ पे जो एनर्जी यस, का वो एनर्जी प्लस यहाँ से यहाँ तक लेकर वो एनर्जी, तो टोटल ऐड करके आपको क्या मिलेगा सीधा सॉलिड टू वेपर के लिए कितना एनर्जी लगेगा, वो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ठीक है यस सर। ओके। एक न्यूमेरिकल आप टेक्स्ट बुक में शायद होगा, नहीं होगा तो छोड़ दो, देखते हैं हम लोग, अगर मिला तो अच्छी बात है। तो देख मैं दूसरे बुक में देखता हूँ एक मिनट में, अगर होगा let me check if I get that question here. तो आपके टेक्सटबुक में नहीं है क्वेश्चन वो ठीक है यस।
चलेगा, मतलब मैं आपको बाद में देता हूँ, इजी है। क्लास एक्चुअली कैसे क्वेश्चन था कि आपको एंथाल्पी ऑफ फ्यूजन दिया, एंथाल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया, एंथाल्पी ऑफ सब्लिमेशन पूछा है। क्लास क्या करना, सिंपल एडिशन करना, राइट? यस, इस वैल्यू फ्यूजन का वैल्यू प्लस वेपराइजेशन का वैल्यू, आपको क्या मिलेगा, एंथाल्पी ऑफ सब्लिमेशन, बराबर ना? तो सो सिंपल क्वेश्चन, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपके बुक में वो क्वेश्चन नहीं है, नो प्रॉब्लम। देखेंगे, मैं आपको और किसी बुक से देता हूँ, चलेगा? यस। प्लस अभी हमने देखा अलग डिफरेंट एंथैल्पी चेंजेस, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन एंड ऑल, जरा ये सब एंथैल्पी एक बार देख लेते हैं फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। एंथैल्पी चेंज, हाँ क्लास, अब ये जितना दिख रहा है ना उतना बड़ा चैप्टर है नहीं, ये सब डेटा है, डोंट टेक टेंशन। इतना बड़ा चैप्टर बोलोगे सर ये बहुत बड़ा है, कुछ नहीं, इतना डिटेल में वो सब डेटा है, इसलिए आपको बड़ा लग रहा है एंथैल्पी। ओके, तब मिला आपको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन टेक्स्ट बुक में, दिख रहा है? यस सर। अब व्हेन वन ऑफ सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, प्लस ये थोड़ा सा इंग्लिश का प्रॉब्लम है अपने टेक्स्ट बुक में, प्लस इंस्टेड ऑफ सेइंग विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, उससे अच्छा क्या वर्ड होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर आगे उन्हें करेक्ट कर भी रहेगा, राइट? देखो आगे के डेफिनेशन में क्या, देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, बराबर ना? क्लास दिस इज नॉनसेंस, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, उससे अच्छा क्या बोलो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लास आपको एक भी एग्जांपल बाहर नहीं करना है, रिमेंबर आपको सिर्फ डिफरेंस चाहिए, आर यू क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। बोलोगे एग्जांपल दिए क्यों है, तो एग्जांपल दिए आपको प्रोसेस समझने के लिए, क्लियर है? तो देखो नंबर से वो प्रोसेस समझना, तो क्लास जब जब एक मोल आइस क्या बनता है, लिक्विड बनता है, कितना ही रिवॉल्व होता है, 6.1 किलो जूल एट 0 डिग्री सेल्सियस, राइट? जब आइस मेल्ट होता रहता है, तो जब पूरा 18 ग्राम आइस मेल्ट होगा, मतलब 1 मोल आइस होगा, तो कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, व्हाट आइस, 6.1 किलो जूल। यू आर नॉट सपोज टू हाइड दिस वैल्यू, आपको ये वैल्यू हाइड नहीं करना है। प्लस रिवर्स ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड फ्रीजिंग, बराबर है? यस। तो डिफरेंस आप खुद क्रिएट करो, हाँ, वेपराइजेशन, प्लस क्या लिखना चाहिए, वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट्स इट। ओके, क्लास नीचे एग्जांपल दिया है, यू आर नॉट सपोज टू हाइड एनी एग्जांपल, कोई भी नंबर एग्जांपल आपको हाइड नहीं करना है, इसलिए आपको लगता है कि चैप्टर बहुत बड़ा है, बिकॉज सब एग्जांपल्स यहाँ पे दिए है, ठीक है? पर क्लास याद रखो, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्लास अगर आप वाटर लेते हो 100 डिग्री पे तो वो 40 है, पर वही वाटर अगर लेते हो 25 तो कितना है, वो 44 है। तो एंथैल्पी डिपेंड्स एट गिवन टेम्परेचर, राइट? क्या लिखा था हम लोगों ने, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्लस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ना? मेरा आवाज आ रहा है? हेलो, यस सर। हाँ, तो क्लास अगर मैं अलग टेम्परेचर लूंगा तो मुझे डेल्टा एच का वैल्यू भी क्या मिलेगा, अलग मिलेगा कि नहीं? यस। तो एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्लास इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्लास बाद में हमने क्या देखा था, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मिला आपको? यस। ओके, फाइनली